सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा वर्कआउट जो है यहाँ पे चल रहा है और ये है मेरा 13वां या 14वां दिन का वर्कआउट। वैसे मेरे मुझे 13 से 14 से ज़्यादा दिन हो गया करते हुए, तो वो हल जब की गई हैं तब से हम फर्स्ट डे करके हम दे रहे हैं आपको। इसलिए दे रहे हैं कि अभी हमें हैबिट भी डालना था और मेरी धीरे धीरे बन रही है वर्कआउट करने की। तो आज जो है हमने लंच में सिंपल जो है रोटी सब्जी ली थी, क्योंकि घर पे मेड नहीं आई थी इसलिए हमने सिर्फ वही बनाया था। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या किचन में। हमारा YouTube चैनल मान्या किचन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वर्कआउट भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, अब आ गया हमारा टाइम वर्कआउट करने का। हम अपने ड्रेस में आ चुके हैं, अपनी जगह पर पोजिशन में आ चुके हैं और यहाँ पर अपने नेक को रोटेट करेंगे। सबसे पहले 10 मिनट का वार्म अप करते हैं, आपसे हम हमेशा बताते हैं। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके करती हूँ, आप जब भी वीडियो एक्सरसाइज करें मेरे वीडियो से, तो ऑप्शन होता है उसमें टाइमिंग बढ़ाने का, स्लो करने का, जिससे वीडियो स्लो चलेगा और आप आराम से वीडियो जो है योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत लोग क्या कराते हैं कि फास्ट, बहुत तेज़ एक्सरसाइज कराते हैं। बहुत फास्ट तो फास्ट नहीं करना चाहिए, फास्ट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बॉडी में समझ में नहीं आता है कि हमारी बॉडी में कहाँ पे किस जगह पे स्ट्रेस हो रहा है, किस जगह पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए क्या करना है ना कि जब भी अपना वर्कआउट करें तो आराम से करें, धीरे धीरे करें, स्लो मूवमेंट में करें। उससे क्या होता है कि जितना स्लो मूवमेंट में करेंगे अच्छे से, मतलब उतना ही आपको अच्छा इफेक्ट समझ में आएगा, उसका असर भी ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए आप आराम से करें, कोई घबरा के नहीं करना है कि कोई हैवी है, कोई किसी का वेट कम है, कोई वेट फिटनेस के लिए करता है, कोई अब स्वस्थ रहने के लिए करता है, कोई अपना वेट लॉस करने के लिए करता है। तो दोस्तों, इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपना वर्कआउट करना है। यहाँ पे हम जो भी वर्कआउट करते हैं और जो हमारी गाइड करवाती हैं, बहुत आराम आराम से कराती हैं और ऐसे कराती हैं दोस्तों जैसे कि वो मतलब छोटे बच्चों को गाइड करती हैं। इतनी अच्छे से कराती हैं, बहुत अच्छे से कराती हैं, बहुत अच्छे से कराती हैं। मैं इतना अच्छे से मतलब खुश हूँ। इसके पहले भी मैं वर्कआउट की थी और वहाँ पे इतना तेज़ वर्कआउट फास्ट कराया जाता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना वो तब फर्क पड़ा था, पड़ रहा था, उतना ही फ़र्क आज भी पड़ रहा है। यहाँ पर मैंने शूज़ नहीं पहना था, शूज़ पहन लिए हैं। वर्कआउट करते टाइम शूज़ ज़रूर पहन लीजिएगा। आपके पास जैसा शूज़ है, जो शूज़ है वो पहन लीजिए। आजकल हर किसी के पास स्पोर्ट शूज़, जंप सूट जो है शू होता है, वो सबके पास होता है। तो आप पहन लीजिए, उसके बाद ही कीजिएगा। क्योंकि जब हम जंपिंग जैक टाइप की या फिर पैरों की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे पैर ज़मीन पे जाके पड़ते हैं और इसकी नसें जो है ना ज़मीन में दबती हैं, असर उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए सूज जब हम पहन के करेंगे, या फिर सूज नहीं पहने तो मैट पे कीजिए। मैट जो होता है ना, वो सॉफ्ट होता है योगा में और वो दबता है, तो वो हमारे पैर पे ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैट पे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज पहले फिनिश करते हैं, फिर आपसे हम मिलेंगे कि हमने आज लंच में क्या खाया और डिनर में क्या बनाया, बाद में हम बताएंगे। वैसे वीडियो आज का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ वर्कआउट का ही है। तो इस तरह से हम आज अपना वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट ख़त्म हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। Thank you.
Thank you.
सो माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वर्कआउट जो है फिनिश होने वाला है और हम अब यहाँ पे लास्ट जो है ना स्ट्रेचिंग चल रहा था, तो स्ट्रेचिंग करके हम ख़त्म करने वाले हैं। और आज जो हम लंच में लिए थे वो सिंपल रोटी और सब्जी लिए थे। मेड हमारी नहीं आ पाई थी इसलिए काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने सिंपल रोटी और सब्जी बनाई थी। और दो रात को जो है मैंने पूरा खाना बनाया, क्योंकि हस्बैंड भी थे तो उनके लिए पूरा खाना बनाना था। और मैं उसमें ली थी छोले बनाई थी, तो छोले और दही को एक साथ मिक्स करके बहुत अच्छे से चाट दही वाला बना करके ली थी। तो वही मेरा था रात का डिनर। और थोड़ी सी मैंने सेवई बनाई थी मिल्क वाली, जो एकदम किशमिश डाल के मीठा किए थे करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सा गुड़ डाल लेते हैं, या फिर कभी ऐसे ही खा लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे भी। तो इस तरह से हमारा जो है आज का वर्कआउट ख़त्म हुआ। और आप भी ऐसे ही बने रहिए, अपना वर्कआउट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो आप सभी का थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो अपना प्यार देते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे वीडियो।